Hey guys, welcome to my channel. तो दोस्तों, अगर आप एक Realme 7 Pro यूजर हैं तो आपके लिए यहाँ पर एक गुड न्यूज है। Realme 7 Pro के लिए Realme UI 3.2 की जो ओपन बीटा की एप्लीकेशन है वो ओपन हो चुकी है। तो अगर आप भी इसको इंस्टॉल करके एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको इसकी कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ कि कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, किन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, और अगर आप इस अपडेट को करते हैं तो आपको किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। तो ये सभी कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। साथ ही बात करेंगे इसके स्टेबल अपडेट के बारे में भी कि इसका स्टेबल अपडेट जो है आपको कब तक देखने के लिए मिल सकता है। तो गाइस, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस, बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज, ओपन बीटा के लिए आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स को ओपन करना है। यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके नीचे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट वाला पेज दिखेगा, इसमें आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपने सॉफ्टवेयर का वर्जन दिखेगा और ऊपर आपको सेटिंग्स का आइकन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको जो ट्रायल वर्जन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने एक जो पेज ओपन हुआ है इसमें आपको ओपन बीटा लिखा हुआ दिखाई देगा, उसमें आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसमें आपको नीचे जो एक अप्लाई नाउ का ऑप्शन है वो कुछ सेकंड बाद यहाँ पर इनेबल हो जाएगा। ये पूरा एप्लीकेशन नोटिस है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे जो दिख रहा है अप्लाई नाउ का बटन जो है अब इनेबल हो चुका है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो है आपसे आपके यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, या तो ये आपको मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस, जो भी आप यहाँ पर डालना चाहते हो आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो अपना ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पर डाल देता हूँ। तो अब यहाँ पर मैंने अपना ईमेल एड्रेस जो है वो डाल दिया है। उसके बाद नीचे आपको जो टर्म्स कंडीशन है उसको चेक करके यहाँ पर इसको फॉर्म को सबमिट कर देना है। जैसे ही आप इसको फॉर्म को सबमिट करेंगे आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा जिसमें नीचे डन लिखा है, आपको डन क्लिक कर देना है। अब जो आपकी यहाँ पर एप्लीकेशन है वो रियलमी के पास अंडर रिव्यू रहेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन बीटा यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है और इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पर अंडर रिव्यू। जैसे ही जो रियलमी है वो इसको रिव्यू करके इसको अप्रूव करेगा तभी आपको आपके फ़ोन में जो है ओपन बीटा का यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वो देखने के लिए मिल पाएगा। और अगर आपको ये अपडेट अगर नहीं मिलता है, आपकी एप्लीकेशन जो है अप्रूव नहीं होती, तो फिर आपको इसके स्टेबल अपडेट के आने तक का वेट करना होता है। तो दोस्तों, ये तो हो गई इसकी प्रोसेस। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि आपकी जो फ़ोन की बैटरी है वो 60% से अबव होनी चाहिए इस अपडेट को करने के लिए, नहीं तो आपका जो अपडेट है वो फेल हो सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपका फ़ोन जो है वो रूट नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपके फ़ोन में मिनिमम 5GB का स्पेस अवेलेबल होना चाहिए, नहीं तो आपका अपडेट जो है वो फेल हो सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपके फ़ोन में जितनी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं आपको उनको प्ले स्टोर से अपडेट कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं एंड्रॉयड 12 के साथ कंपेटेबल ना हो, तो इसलिए आपको पहले ही इसको अपडेट कर लेना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि किसी भी डेटा लॉस से बचने के लिए आपको अपने फ़ोन के डेटा का बैकअप बना लेना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है और वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये जो अपडेट है वो बीटा का अपडेट है, यानी कि इसमें बहुत सारे बग्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आपका फ़ोन जो है वो कुछ अनप्रिडिक्टेबल यहाँ पर इम्पैक्ट आपको कर सकता है। आप जैसे अभी तक अपने फ़ोन को डेली यूज़ कर रहे थे वैसा यूज़ करने में आपको दिक्कत का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। हो सकता है कि इसमें बैटरी ज़्यादा ड्रेन हो या फिर ऐप क्रैश हो जाए या फिर और भी बहुत सारे इशूज़ इसमें आ सकते हैं, क्योंकि ये एक बीटा अपडेट है। तो अगर आप इन प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हैं तो ही आपको इस अपडेट को करना चाहिए, नहीं तो फिर आपको इसके स्टेबल अपडेट के आने तक का वेट करना चाहिए। तो गाइस, अगर आप बात करें कि इसका स्टेबल अपडेट जो है वो कब तक आपको देखने के लिए मिल सकता है, तो यहाँ पर अभी से लेके कम से कम एक महीने का जो समय है आपको स्टेबल अपडेट को देखने में लग जाएगा। हालांकि ये डिपेंड करता है रियलमी पर कि वो कितनी जल्दी बग्स को फिक्स करके अपडेट को रिलीज करता है, लेकिन यहाँ पर कम से कम आप एक महीने का समय तो इसमें मान ही सकते हैं, वो कम या फिर ज़्यादा भी थोड़ा सा हो सकता है, डिपेंड करता है रियलमी पर। तो गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।